इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख खास खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के जागलोन थाना अंतर्गत धौरा पुलिस चौकी का ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने विधि विधान के साथ किया उद्घाटन। साथ ही उन्होंने परिसर में वृद्ध वृक्षारोपण कर स्वच्छ वातावरण का दिया संदेश। आपको बता दें कि ये कार्य धौरा चौकी इंचार्ज श्री कृष्ण कुमार के अथक प्रयास से संभव हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा। इसमें ग्राम पंचायत कपासी की नव निर्वाचित ग्राम प्रधान गीता रंजीत सिंह यादव के द्वारा 11,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई। नव निर्मित भवन में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि बैठने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ मीटिंग हॉल भी शामिल है, जिसे रिपोर्ट दर्ज करने आए हुए लोगों को तथा राष्ट्रीय त्योहारों पर पुलिस को क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में जागलोन थाना अध्यक्ष श्री जयप्रकाश चौबे, दौरा चौकी इंचार्ज श्री कृष्ण कुमार, दौरा ग्राम प्रधान श्री धीरज सिंह यादव, कपासी प्रधान प्रतिनिधि एवं भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह यादव, पूर्व प्रधान श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, श्री प्रतिपाल सिंह यादव, श्री जयराम रजक, श्री ओम प्रकाश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट श्री यशपाल सिंह परिहार, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार मिश्रा, समाज सेवी एवं जिला प्रवक्ता श्री निसार खान, धर्मेंद्र यादव, आमिर खान, सुजान यादव, हरपाल सिंह यादव, पत्रकार समीर पठान इत्यादि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ललितपुर जिले के थाना बार अंतर्गत एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल ललितपुर में मौत हो गई। चिगलोवा चौकी अंतर्गत सेमरा बड़ा निवासी मृतक के भाई महेश ने बताया कि वह अपने मृतक भाई मंगल पुत्र विजय नंदन लोधी उम्र 23 वर्ष के साथ ललितपुर गल्ला बेचने गया था। वह जहां गल्ला बेचकर वह पहले वापस आ गया था, उसने गाँव के दो अन्य युवकों पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाते हुए बार थाना प्रभारी को तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि वह अपने भाई के साथ गल्ला बेचने ललितपुर गया था। वह गल्ला बेचकर पहले अपने घर वापस आ गया था। उसने अपने परिवार के ही उज्जवन पुत्र सूरज व नंदकिशोर पुत्र सूरज पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि ये लोग इसी के साथ ललितपुर में थे और इन्हीं लोगों ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके भाई की हत्या कर दी। मृतक को संदिग्ध परिस्थितियों में उसका भाई महेश उसे जिला अस्पताल ललितपुर ले गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जब इस मामले में थाना प्रभारी अंजनी कुमार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामला पूरे तरीके से संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसको गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है और साथ ही आरोपियों की भी तलाश जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा बार में बैंकों में उमड़ी भीड़ से फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ाने को तैयार है। कस्बे के प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है, जो इस महामारी में संक्रमितों की संख्या बढ़ाने में लगी है। साथ ही मेन रोड पर बैंक होने की वजह से सड़क किनारे किसान अपनी सम्मान निधि के लाइन में लगे हुए हैं। भीड़ बढ़ने का एक मुख्य कारण बैंकों की समय सीमा भी है, जिसके कारण बैंकों में कोरोना काल में लंबी लाइन लगी हुई है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के विरदा कस्बे में बाजार बंद, पुलिस चौकी का घेराव करने पर दुकानदारों पर हुआ मामला दर्ज। विरदा कस्बा के करीब 27 नामजद और करीब 25 अज्ञात पर महामारी अधिनियम में मामला हुआ दर्ज। ललितपुर जिले के बांसी पुलिस चौकी इंचार्ज सतीश कुमार द्वारा लॉकडाउन के 31वें दिन प्रतिदिन की भांति कस्बा में पुलिस दल के साथ घूमकर लॉकडाउन का पालन कराया गया और कोविड-19 के पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बांसी पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन करने हेतु ग्रामवासियों को घर में रहने की अपील की गई, जिससे कि इस महामारी से बचा जा सके, इसकी चेन को तोड़ा जा सके। कस्बा बांसी से ललितपुर लाइव टीवी के लिए अनुराग कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्ला में आकाशीय बिजली गिरने से प्रकाश रावत पुत्र नंदराम रावत की एक 51 भैंस की मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि उसकी भैंस बाड़े में बंधी थी। करीब शाम 4 बजे गांव में तेज बारिश होने लगी, इसी बीच तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली उसके बाड़े में बंधी 51 भैंस पर जा गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ग्राम बिल्ला से पुष्पेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में आज कोविड-19 रिपोर्ट के अंतर्गत आज 7 कोरोना संक्रमित निकले तथा 198 लोगों को डिस्चार्ज किया गया एवं जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 981 चल रही है तथा रिकवरी रेट 91.20 है। ललितपुर लाइव टीवी
आप सभी से अपील करता है कि लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से ना निकले, शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें, इसी में सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत। ललितपुर जिले के विरदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बरोदिया रायन में सफाई कर्मचारी ग्वालियर में वेंटिलेटर पर लेटा और लड़ रहा है जिंदगी और मौत के बीच जंग। तो वहीं गांव का दबंग प्रधान और उसका बड़ा भाई दे रहा है उसे बार बार फोन करके पद से हटाने की गीदड़ धमकी। विगत दिनों सफाई कर्मी के पिता की भी हो चुकी है मौत। ललितपुर जिले के जिला कारागार से रिहा हुआ युवक नहीं पहुंचा अपने घर, परिजनों की चिंताएं बढ़ी, पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। जैसा कि जानकारी के अनुसार 12 मई को शाम करीब 9 बजे पीड़ित मां को जिला कारागार ललितपुर से मोबाइल से फोन आया कि तुम्हारे लड़के प्रताप को जेल से छोड़ा जा रहा है, जिसके लिए तुम लिवाले जाओ। जिसे पीड़ित मां ने कहा, मैं सुबह आऊंगी, अभी रात हो गई है। कि जैसे ही पीड़ित मां 13 मई 2021 को करीब सुबह 8 बजे अपने बड़े पुत्र अशोक को लेकर जिला कारागार ललितपुर पहुंची, तो पुलिस वाले बोले कि तुम्हारे पुत्र को रात में छोड़ दिया गया था और तुम्हारे पुत्र प्रताप को 12 मई 2021 को शाम करीब 8 बजे संजय पुत्र अज्ञात निवासी हर्षपुर मजरा चिमना थाना ताल बेहट की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया था। पीड़ित मां उक्त संजय के घर ग्राम हर्षपुर चिमना पहुंची तो उसके घर वालों ने बताया कि संजय कह रहे हैं कि मैं उसे वहीं जेल के बाहर छोड़ाया था, मुझे कुछ पता नहीं है। पीड़िता ने अपने पुत्र की काफी खोजबीन की मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित मां ने थाना बार में की थी मगर वहां पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने आज पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर लापता पुत्र को सही सलामत घर पहुंचाने की मांग की है। ललितपुर जिले के बांसी में पीड़ित परिजनों ने गांव के एक दबंग और उसके भाई पर उसको जबरन मकान बेचने का गंभीर आरोप लगाया है तथा बांसी पुलिस चौकी से मदद की गुहार लगाई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कस्बा बांसी से आप लोग यहीं रहते हो? इसके बाद हमारा कोई नहीं कमरा है और ना हमारे कोई छाया है, हमारी ये दुकान ही हमारा घर है और सब यही है। और हमारे साथ में कभी भी हमला होगा उसकी जिम्मेदार फूल सिंह यादव और मुफ्ती यादव आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। ये हमारा पैसा है कि हम गरीब आदमी की जगह जबरदस्ती लेंगे तो अपना कब्जा जमाते हैं। ये चीज कौन बोल रहा था? विशेष सुरेंद्र और सप्तु यादव और अपने भाई की हमें धंधे रहे थे कि भाई हमारे पास जिला पंचायत सदस्य सपा से और 5 से 10 करोड़ रुपया हमारा बैंक बैलेंस है और हमारे ये पैसों के बलबूते पे हमारे प्रशासन और पुलिस और अधिकारी ये हमारी जिम में रहते हैं, इनके पैसे के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं और जी हमें ज़मीन चाहिए तो चाहिए किसी भी कीमत पर। और एक इनने हमारे ऊपर मुकदमा भी लगवाया था बतकुआं से हर जन एक्ट का और एक दफ़े हम पे बार भी करवाया था। मुकदमा लगवाया था फूल सिंह यादव ने? फूल सिंह यादव ने हर जन एक्ट का मुकदमा लगवाया था छेड़खानी का और एक दफ़े हम पे। ये मामला ललितपुर जिले के थाना बार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुलावन का है, जहां एक बहन ने अपने ही भाई पर कुल्हाड़ी से हमले का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है और आरोपी भाई पर कार्रवाई की मांग की। आखिर किस बात को लेकर हुआ भाई बहन में विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवार की रिपोर्ट। हम गुलावन से आए हैं, लड़ाई हुई थी। क्या समस्या लेकर आए? लड़ाई हुई थी तो कुल्हाड़ी मार दी। किसने मारी? भाई ने, क्या पाल ले। किस बात को लेकर? कुछ बात कुछ नहीं थी, डस्टन था हमारी भाभी का तो वे सीधे आए से कुल्हाड़ी मार दी, लड़ाई हुई। आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? हाँ जी, थाने में की थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप कहाँ आई? ललितपुर एफ साहब के लाने आए। ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आज एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप जड़ते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवार की। गाली नहीं दो तो उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, बस हमारे घर का कोई आता ही नहीं थे, कोई नहीं थे, हम
कहाँ थे हम? नया लोग मारपीट करते हुए फिर बस हम थाने गए। थाने में कार रिपोर्ट भी दर्ज कराई तो उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम एफसी साहब के यहाँ आए हैं। नहीं आए तो ये थी जिले की आज की प्रमुख और खास खबरें एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि जिले की हर खबर आप तक समय समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।